नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मंगल कुशवाहा और आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मंगल वेब बर्ड। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं समय समय पर आपके लिए ज्ञान से भरपूर और मनोरंजक वीडियो एवं ब्लॉग लाता रहता हूं। इसी कड़ी में आज मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूं एक नए वीडियो एवं नए ब्लॉग के साथ। तो साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ, आप जानते होंगे कानपुर एक महानगर है उत्तर प्रदेश में, और उसी कानपुर देहात जनपद के एक कस्बा है राजपुर, और राजपुर के जस्ट बगल में यहाँ पर एक जैनपुर पड़ता है गांव, और उसी जैनपुर में प्रतिवर्ष समथिंग देश आज़ादी के समय से लगभग 70-75 वर्ष हो गए हैं, यहाँ पर लगातार मेला लगता है। पहले सुना जाता है कि पहले यहाँ पर कई बड़े बड़े जानवर भी यहाँ पर घोड़े हाथी वगैरह भी बेचे खरीदे जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खासकर जैनपुर मेला आपको लकड़ी के सामान के लिए बेहद फेमस है, तो यहाँ पर जो लकड़ी का सामान है वहाँ पर तरह तरह के आपको तख्त वगैरह है, बेंच वगैरह है, और भी आपको चारपाई के बहुत सारे सामान हैं, घर गृहस्थी के सामान हैं, वो सारे आपको यहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट पर और बहुत ही उमदा किस्म के यहाँ पर आपको आइटम मिल जाएंगे। तो निरंतर चैनल पर बने रहें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, जिससे कि इसी प्रकार से आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, मैं बारी बारी से आपको दिखाऊंगा, काफ़ी बड़ा मेला है तो इसको एक पार्ट में नहीं दिखा पाऊंगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसको मैं दो वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। तो निरंतर चैनल पर बने रहें और चलिए चलते हैं आगे। तो साथियों, इस समय मैं खड़ा हूँ आपको भोगनीपुर टू औरैया, ये हाईवे है, और जो भोगनीपुर है, भोगनीपुर वाला ये जहाँ पे लिंक रोड है वो कानपुर टू झांसी 4 लेन हाईवे है, उससे डायरेक्ट लिंक है, और यहाँ से आप जैसे ही कानपुर टू झांसी हाईवे लिंक रोड से जैसे ही आप दाहिने साइड में आएंगे समथिंग 14-15 किलोमीटर, तो यहाँ पर आपको राजपुर मिलेगा। राजपुर यहाँ से 1 किलोमीटर है, जस्ट आप सामने देख सकते हैं जो सड़क गई है, मात्र 1 किलोमीटर के अंदर में आपको राजपुर मिलेगा, और जस्ट सामने आप ये देख सकते हैं, सामने जैनपुर गांव है, और इस जैनपुर गांव के जस्ट एकदम से सामने आपको ये मंदिर है, जैसा कि आप देख सकते हैं राम जानकी हनुमान मंदिर। तो इसी मंदिर में भव्य तरीके से यहां पर मेले का आयोजन किया गया है, तो मैं बारी बारी से आपको चल करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं अंदर आपको मेले प्रांगण के अंदर में लेकर के आपको चलूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके का यहाँ पर मेला लगाया गया है। और यहाँ पर जो 52 वाहन पार्किंग की व्यवस्था है, जो दर्शक बंधु आते हैं उनके वाहनों को इस तरीके से यहाँ पे पार्क कराया जाता है, और उसका जो पर्ची वगैरह भी वहाँ पर काटने का काम किया जाता है, तो ये पार्किंग व्यवस्था की गई है यहाँ पर। आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पर इस तरीके की दुकानें लगाई गई हैं, अभी कुछ दुकानें अभी बंद हैं, और लगातार जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर लकड़ी की खासकर ज़्यादातर सामान मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर आपको कॉपी किताबें भी उसकी
की भी आपको दुकान यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कुछ यहाँ पर दुकानदार बंधु उनकी प्रतिक्रिया लेने का काम करते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फारूक भाई। फारूक भाई जी कहाँ से आए हैं? हम बहुत दूर से आए हुए हैं। बहुत दूर से मतलब कहाँ से? कानपुर देहात से। कानपुर देहात से। तो प्रतिवर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए? हर साल आते हैं ना। हर साल आते हैं जी। कैसा महसूस होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा महसूस होता है। इस बार आपका कैसा रिस्पॉन्स? इस बार थोड़ा गलत रिस्पॉन्स हो गया है, थोड़ा नौने मिला। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके के दुकानदार बंधु की जो प्रतिक्रिया है कुछ इस तरीके से, और आप देख सकते हैं। और हम अब आगे चल करके आपको दिखाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार वर्मा। नवीन कुमार वर्मा जी कहाँ से आए हैं आप? हम राजपुर से आए हैं। राजपुर से? यही राजपुर से जी, जी। ये तो फिर आपका मेला हुआ। कैसा महसूस होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। दुकान लगा के? हाँ बहुत अच्छा होता है। रिस्पॉन्स कैसा है इस पर? रिस्पॉन्स कैसा है इस पर? बहुत अच्छा है यहाँ का। बढ़िया है रिस्पॉन्स? दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम देखते हैं और आगे चल करके। हाँ अब इस तरफ और इस तरीके की आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके की दुकानें लगाई गई हैं। और खास बात जो हमने लकड़ी के लिए बोला था, तो सबसे पहले मैं आपको लकड़ी की दुकानें दिखाने का प्रयास करूँगा। और सामने चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लकड़ी के हैं, तख्त हैं, बेंच हैं, और भी घर गृहस्थी के बहुत सारे आइटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मैं कुछ दुकानदार बंधु से भी उनकी प्रतिक्रिया लेने का काम करूँगा। और इस तरीके का लकड़ी का यहाँ पर जो सामान है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और प्रतिवर्ष यहाँ पर इस तरीके के दुकान जो कारीगर बंधु हैं अपना काम करने का काम कर रहे हैं लगातार, आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? अतीक। अतीक जी कहाँ से आए आप? अपसरिया गाँव है। तो प्रति वर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए? हर साल आते हैं या इसी साल आए? हर साल आते हैं। कैसा रेस्पॉन्स रहता है, कैसा अनुभव रहता है यहाँ का? अरे बहुत बेकार है। बहुत बेकार है? हाँ मजेदारी। फिर भी बार बार आते हैं? हाँ। बेकार अनुभव के बावजूद भी आते हैं? हाँ। आप तो बड़े मजबूरी है, आना पड़ता है। मजबूरी क्या है, ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम करे कहाँ को जा रहा है। वही तो कह रहे हैं, अगर आपका सामान बिकता नहीं है फिर आप क्यों आते हैं? पहले बिकता था, मतलब कितने वर्ष पहले बिकता था? अच्छा जानकारी तो। और आप देख सकते हैं तरह तरह के यहाँ पे जिन लोगों को चारपाई चाहिए, तखत वगैरह चाहिए है, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और काफी तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। तो हम देखो आप दुकानदार बंधु से आपको पुराने काम करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? नवार अहमद। नवार अहमद जी कहाँ से आए हैं आप? जी राजपुर। यही राजपुर से? जी। तो प्रतिवर्ष आते हैं? प्रतिवर्ष आते हैं। कैसा अनुभव रहता है यहाँ? बहुत अच्छा है, अनुभव रहता है। अच्छा आपकी दुकान में क्या क्या मिलता है? हमारे यहाँ लकड़ी का सामान मिलता है, तखत वगैरह है। जैसे तखत वगैरह है, अगर कोई कस्टमर आना चाहे वीडियो देख करके तो उसका रेट कम लेगा? समथिंग 2000-1700 रुपये। हाँ हर प्रकार। अच्छा अच्छा। और भी तखत के अलावा क्या बेंच वगैरह बनाते हैं? बेंच है, स्टूल है, हर चीज़ देखते हैं। अच्छा बेंच का रेट क्या है आपकी? 500 रुपये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी कस्टमर बंधु हैं, जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, और यदि लकड़ी का सामान यहाँ खरीदना चाहते हैं तो अभी जैनपुर मेले में आकर के तो खरीदने का आप लाभ ले सकते हैं। तो अब मैं आपको मेले के अंदर में ले चलूंगा। और यहाँ पर यदि आपको इस टाइप का सामान चाहिए हो, बक्से वगैरह चाहिए हो, और छोटे बक्से, बड़े बक्से, और यदि आपको गेहूँ रखने के लिए आपको ये स्टोर होता है, इसको गोल टाइप का होता है, इसको खुला बोलते हैं गांव देहात की भाषा में, अगर आपको ये चाहिए हो तो ये सारे के सारे आइटम आपको यहाँ पर मेले में आपको मिल जाएंगे। तो जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं और यदि उनको इस तरह के सामान चाहिए हैं तो आप बेफिक्र होकर के यहाँ पर आकर के ये सारे के सारे सामान आप
ले सकते हैं। और जो दर्शक हैं वो अगर फास्ट फूड पसंद करते हैं, पानी पूरी पसंद करते हैं, तो वो सारे भी आपको सब्जी वगैरह है, ये सारे आइटम आपको खाने की, जलेबी है, खजला है, इस टाइप की सारी यहाँ पर जो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, वो आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो लकड़ी के मिशन वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया आपको सामान यहाँ आपको यहाँ पूरा आपको फास्ट फूड मिलेगा खाने के लिए। आप देख सकते हैं टोटल आपको जो भी आप देखेंगे। अब यहाँ ये गेट स्टार्ट होता है, ये गेट सेकंड गेट है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर से। और यहाँ पर से अंदर जो मेला है जिसको मीना बाजार कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये मैं आपको पार्ट टू में दिखाऊंगा और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा रहा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर चलते हैं पार्ट टू की तरफ।